है एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। आज का एपिसोड कैसेट डेक मेंटेनेंस के ऊपर है। हम सब कैसेट्स यूज करते हैं और व्हेन वी टॉक अबाउट कैसेट्स आई फील वेरी हैप्पी, यू नो, इट गिव्स मी लॉट ऑफ जॉय बिकॉज मोस्ट ऑफ माय म्यूजिक फ्रॉम वाइनल्स हैज बीन ट्रांसफर्ड ऑन टू गुड क्वालिटी क्रोम्स एंड मेटल्स दैट आई प्ले ऑन माय नेकानीचेस एंड दे प्ले ऑलमोस्ट 100% आइडेंटिकल टू द वाइनल। कुछ केसेस में वाइनल से भी अच्छी साउंड मुझे समझ में आती है। तो जब आप कैसेट डेक्स खरीद रहे हैं, इतने महंगे टेप्स खरीद रहे हैं, इतने पेनस्टेकिंगली उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कैसेट डेक की मेंटेनेंस भी ढंग से होनी चाहिए। मेंटेनेंस के नाम पे आमतौर पे हम दो या तीन चीजें ही जानते हैं कि आपको पीरियोडिकली कैसेट डेक के हेड को क्लीन कर देना चाहिए, रोलर्स को, कैपस्टन को क्लीन कर देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनके बेल्ट्स वगैरह चेंज कर देना चाहिए। गोइंग वन स्टेप बियॉन्ड दिस, देर इज वन मोर वे, रादर देर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ कैसेट डेक मेंटेनेंस जो इंडिया में मैंने किसी को फॉलो करते हुए नहीं देखा। जी हाँ, और ये एस्पेक्ट है कैसेट डेक हेड डीमैग्नेटाइजेशन। अब आप पूछेंगे कि डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कैसेट हेड क्या होता है। वेल, जब आप कैसेट डेक को एक लंबे समय तक यूज करते हैं, मेरा ख्याल है 150 से 200 घंटे तकरीबन, तो कैसेट का जो हेड है जो मेटल का होता है, कैपस्टन्स जो मेटल के होते हैं, इनमें एक तरह का एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर से मैग्नेटिक रील पास हो रही है इतने दिनों से, तो एक मैग्नेटाइजेशन उस पर डेवलप हो जाता है और ये मैग्नेटाइजेशन कैसेट की हाई फ्रिक्वेंसी को दबाती है। तो आप महसूस करते होंगे कि कई दफा आपके कैसेट डेक से आवाज बहुत अच्छी नहीं आती, ऐसा लगता है कि ऊपर के जो हाइज हैं, जो शार्पनेस है, थोड़ी कम हो गई है और आप परेशान होकर हेड्स को क्लीन करते हैं, काफी कुछ करते हैं बट यू नेवर गेट द साउंड दैट यू शुड बी गेटिंग। और ये कारण होता है कि आपके जो हेड्स हैं और आपका जो मेटल पार्ट है उस पाथ में, वो मैग्नेटाइज हो गया है। नाकामिची के अगर आप ओरिजिनल मैनुअल्स पढ़ेंगे, किसी भी अच्छे हाई एंड कैसेट डेक के मैनुअल्स आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे उसमें डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में समझाया गया है कि वक्त एक सर्टेन इंटरवल के बाद यू मस्ट डीमैग्नेटाइज योर कैसेट डेक्स। नाउ हाउ टू डीमैग्नेटाइज योर कैसेट डेक्स, डीमैग्नेटाइजेशन से क्या होगा? डीमैग्नेटाइजेशन से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है आपके मेटेलिक पार्ट्स के ऊपर, वो खत्म हो जाएगी। एक बार वो चीज खत्म हो गई तो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वापस लौट आएगी एंड कैसेट डेक्स विल परफॉर्म मच मच बेटर। तो आपको याद होगा बहुत पहले एक कैसेट डीमैग्नेटाइजर आता था, कैसेट के फॉर्म में होता था, यू हैड टू लोड इट एंड जस्ट प्ले इट और वो अपना काम करता था, उस पूरे पाथ को डीमैग्नेटाइज करता था। बट दैट वॉज नॉट रिकमेंडेड बाई कंपनीज लाइक नाकामिची, दे सजेस्टेड अ डीमैग्नेटाइजिंग बैंड, एक ऐसा बैंड जिसको कि आप प्रॉपर पावर के सॉकेट में डाल के जब वो डीमैग्नेटाइजर का काम करने लगे तो आपको उस वैंड को मूव करना होता है अपने कैसेट डेक के पाथ के ऊपर। कैसा दिखता है ये डीमैग्नेटाइजर वैंड? वेल, दिस इज माय कैसेट डीमैग्नेटाइजर वॉन्ड सेट टू 240 वोल्ट्स। आप इसको प्लग इन करते हैं, इसका सामने का जो पोर्शन है इस पर एक बहुत हाई क्वालिटी की रबर लगी है ताकि अगर आप एक्सीडेंटली मेटल हेड्स को छू भी दें तो मेटेलिक स्क्रैच वगैरह ना लगे। जब आप इसको स्विच ऑन करते हैं तो यहां से कुछ वेव्स निकलती हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट को खत्म करती हैं। तो इसलिए बहुत 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 जरूरी है कि जब भी आप इस चीज को प्लग इन करें तो अपने अगल बगल इंश्योर कर लें कि कोई भी कैसेट ना पड़ी हो, वरना वो कैसेट इरेज हो सकती है। जी हाँ, तो रिमूव ऑल द कैसेट्स दैट यू माइट हैव इन द विसिनिटी, कम से कम 5-7 मीटर दूर कर दें और बहुत केयरफुली इस वॉन्ड को लेकर के जब वाइल इट इज प्लग्ड इन डोर को खोलें और धीरे से इसको हेड के ऊपर ले जाएं और हेड के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएं 3 या 4 बार, टच करने की जरूरत नहीं। फिर जितना मेटेलिक पाथ उस आपके कैसेट पाथ में जितने मेटेलिक पार्ट्स हैं, कैपस्टन्स हैं, इरेज हेड को छोड़ सकते हैं, रिकॉर्डिंग हेड है, प्लेबैक हेड है, उन सब के ऊपर इसको 2-2, 3-3 बार ऐसे ऐसे सर्कुलर या एंटी सर्कुलर मोशंस कर दें।
once you have done that, pull it out carefully and switch it off. फिर धीरे से इसको उठा के दूर रखते हैं. आइडिया यह है कि जब ये एक्शन में है, जब ये पावर्ड है, तो आपको इसको बड़ा केयरफुली यूज करना है, वरना ये अगल बगल की चीजों को अफेक्ट कर सकता है. इट कैन वीकन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ यू नो इक्विपमेंट्स दैट यू माइट बी यूजिंग. इट कैन इरेज कैसेट्स. और हालांकि इससे बहुत ज्यादा उस तरह की वेव्स नहीं निकलती और इसका फ्लक्स भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है. ये उतना ही है जितना कि एक कैसेट डेक के हेड को डीमैग्नेटाइज करने के लिए चाहिए होता है. इसे कहते हैं कैसेट हेड डीमैग्नेटाइजर वॉन्ड. तो इंडिया में तो मुझे नहीं मालूम, मैंने आज तक कभी इंडिया में किसी भी कैसेट एंथुजियास्ट को इसको यूज करते हुए नहीं देखा. हो सकता है कुछ लोग हों जिनकी मुझे जानकारी नहीं है, बट ये कैसेट टेक मेंटेनेंस का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता था. तो प्रयास कीजिए कि आप भी इस तरह का एक कैसेट डेक डीमैग्नेटाइजिंग वॉन्ड कहीं से खरीद लें और उसको वक्त वक्त पे एक सर्टेन पीरियड पे, एक महीना, डेढ़ महीना और दो महीना, जैसा आपका यूसेज है उसके मुताबिक उसके बाद उसको डीमैग्नेटाइज कर दिया करें. आप देखेंगे कि आपके डेक की जो फंक्शनैलिटी है, डेक से जो साउंड निकलती है वो हेड की वजह से निकलती है. एंड हेड्स नीड टू वर्क इन द मोस्ट परफेक्ट मैनर. और जितने परमालॉयज हेड हैं या मेटल अलॉयज हेड्स हैं, सब पे ये चलता है और बहुत अच्छा काम करता है. ध्यान इतना ही रखना है कि अपने अगल बगल कोई चीज ना रखें और इसको अपने हेड से टच करने की जरूरत नहीं है. अब मैं आपको ये चीज एक बार करके दिखाऊंगा. आई विल नॉट प्लग इन, बट आई विल सिंपली ट्राई टू एक्सप्लेन यू हाउ टू मूव द वॉन्ड इन साइड द कैसेट डोर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली. सो कम अलोंग. तो ये मेरा डेक है और इसका ये डोर मैंने निकाल दिया है ताकि आपको ये पाथ अच्छी तरह दिखे. अब ये वॉन्ड जो कि प्लग्ड इन है, इसके अंदर करंट आ रहा है. आप यहां छुएंगे तो आपको हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होगी. अब इसको बड़ी केयरफुली अंदर ले जाएं और हेड्स के ऊपर सर्कुलर मोशंस ऐसे ऐसे करें, ऐसे. फिर आप कैपस्टन को करें, कैपस्टन को करें एक बार, फिर से हेड को एंटी सर्कुलर कर लें. ऐसा हमें 8-10 बार करना है, ऐसे ऐसे कर देना है. इसको छूने की जरूरत नहीं है, छूने से स्क्रैच ना लगे, इसीलिए इस पे ये रेड कलर का रबर कंपनी ने दे रखा है. फिर ये टेप के पाथ गाइड्स हैं मेटल के, मैं इनको भी डीमैग्नेटाइज कर देता हूं क्योंकि इनका भी कुछ ना कुछ तो टच इसके ऊपर भी टेप का होता ही होगा. ठीक है जी, ऐसे आपने कर लिया. उसके बाद जब ये यहां से आप इसको बड़ी जेंटली धीरे से पुल कर लें, पुल करके आप स्विच ऑफ करें और इसको साइड में रखते हैं. एक चीज का ध्यान रखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे ये कैसेट्स हैं जो कि मैं रूटीनली प्ले करता हूं, उठाया प्ले किया, ये यहां नहीं होना चाहिए. तो आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कैसेट्स को हटा दीजिए. तो साहब मैंने इसको प्लग इन नहीं किया था, मैंने सिर्फ आपको वो एक्शन दिखाया था. व्हेन आई पुट इट इनटू द प्लग एंड स्विच इट ऑन, आई मेक श्योर दैट आई रिमूव द कैसेट्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस मैजिक डीमैग्नेटाइजेशन बॉन्ड. प्लीज गेट इट फॉर योर डेक एंड यू विल एंजॉय योर कैसेट डेक लाइक नेवर बिफोर. आई बिलीव दीज वीडियोज आर ऑफ यूज टू यू. और आपको आज का एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा. तो अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स मुझे देते रहिए. इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, स्प्रेड कीजिए और मिलूंगा फिर आपसे एक नए वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.